नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। आजमगढ़ में विधानसभा सदर के नगर क्षेत्र में आज बैठक एवं जनसंपर्क करते हुए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता परवेज अहमद एवं प्रत्याशी अध्यक्ष नगर पालिका परिषद आजमगढ़ ने यह फैसला लिया कि 2022 विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव की सरकार बनानी है और प्रदेश को भ्रष्ट मुक्त बनाना है। बैठक के दौरान भाजपा पर निशाना साधते हुए परवेज अहमद वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी ने कहा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से महंगाई चरम पे है, भ्रष्टाचार चरम पे है और महिलाओं बच्चों के साथ आए दिन बलात्कार हो रहे हैं। इन सबसे छुटकारा पाने के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना बेहद जरूरी है। इसी को लेकर के लोगों से जनसंपर्क किया और 2022 विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव की सरकार बनाने का संकल्प लिया और लोगों से अपील किया कि इस बार अखिलेश यादव की सरकार बनाने में अपना अहम योगदान। सबसे अच्छी पार्टी समाजवादी पार्टी है जिसके विकास को किसी से बताना नहीं है। इस सरकार में जब इसके पहले 5 साल 2012 से 2017 तक सरकार थी निसार भाई, तो आजमगढ़ से लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में जितना विकास हुआ ये किसी से छुपा नहीं है। जो जो काम अखिलेश यादव ने कर दिया वो एक मिसाल है। तो हमको ऐसी सरकार लाना है कि जो कम से कम आकर के जनता के भलाई का काम करे, जनता को राहत दे। हमारे यहाँ के प्रत्याशी सपा के कैंडिडेट पिछले 300 साल से विधायक हैं, उनकी पहचान को किसी को बताना नहीं है। सब लोग जानते हैं माननीय दुर्गा प्रसाद यादव को, वो यहाँ के विधायक हैं, वो यहाँ के विधायक हैं और आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग सपा को मजबूत कीजिए, क्योंकि सपा जब मजबूत होगी, सपा का उत्तर प्रदेश में राज होता है तो पूरा प्रदेश राहत और चैन की नींद सोता है, सारे लोग खुशहाल रहते हैं, चाहे व्यापारी हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे किसान हो, चाहे छात्र हो।